एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं और गांव में चौमुखी विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन यह बात सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई है और यह बातें हवा हवाई साबित हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं कुशीनगर जनपद के फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र के दो ब्लॉकों व दो ग्राम सभा समेरा हरदो पट्टी व गुरवलिया को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग, जहां पर पुल न होने से 10 गांव से भी ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आने जाने में लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वहीं आज कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव विनोद यादव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया कि अब की बार पुल नहीं तो वोट नहीं। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दी कि अब की बार पुल अगर नहीं बना तो हम वोट भी नहीं देंगे। विनोद यादव ने कहा कि लगभग 2 दशक से सड़क पर पुल न होने से 10 गांव से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। कई बार स्थानीय विधायकों को प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई आश्वासन नहीं मिला, जिससे बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुल न होने से 2-3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज ग्रामीणों के सहयोग से सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द से जल्द पुल का निर्माण नहीं हुआ तो इस बार वोट भी हम लोग नहीं देंगे। इस पुल के लिए सीधे आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए रोड पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो दशक से रोड जो है बिल्कुल टूटा पड़ा है और इस रोड मार्ग पे कम से कम 3 से 4 हज़ार की आबादी प्रतिदिन इस पे आना और जाना होता है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि यह देख रहे हैं कि ये पुल टूटा हुआ है, अभी तक पुल बन नहीं पाया। सब बिल्कुल जो है आगमन बाधित है और लोग परेशान हैं। लोगों की खेती बाड़ी इधर है, लोगों का गुरवलिया जाना आना जाने इसी से होता है और लोग परेशान हैं, दुखी हैं। सभी लोग देख रहे हैं कि बड़ी जनसंख्या, पूरे गांव के लोग इस रोड को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं सीधे गंगा सिंह कुशवाहा जी से मैं कहना चाहता हूँ, जो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, इस क्षेत्र की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ आपको चुनाव जिताया, आपको विधायक बनाया, लेकिन आप केवल एसी रूम में बैठे रह रहे हैं। आने तो सड़क पर, जो सड़क पर केवल घूम रहे, क्षेत्र की जनता को नहीं देख रहे कि क्या जनता किस तरह रह रही है। मैं उनसे सीधा संवाद मैं करना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ कि ये रोड लगातार कई वर्षों से टूटी पड़ी है और लोगों का आगमन बाधित है, लेकिन आपका ध्यान इधर नहीं जा पा रहा है। जब चुनाव आएगा तो सीधे दरवाजे पहुँच जाएंगे, चुनाव समाप्त हुआ फिर एसी में चले जाएंगे। तो मैं उनसे आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि वोट का समय है, कम से कम अभी तो आके इस समस्या का निदान करके यहाँ एक पुल बनवाने का कार्य करें। कितना गाँव के लोग इससे प्रभावित? कम से कम इस गाँव से 15 लोग प्रभावित हैं और रोज हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना इस पर होता है और ये बिल्कुल बाधित है। और मैं उनसे मांग करना चाहता हूँ कि वो आए, जन समस्याएं सुने, लोगों की बातें सुने और इस पर तत्काल पुल निर्माण के लिए एक आश्वासन लोगों को दें और पुल निर्माण करवाएं। बिल्कुल लोगों ने मूड बना लिया है कि अगर पुल नहीं बनता है तो बिल्कुल उनको वोट नहीं करेंगे। जिस क्षेत्र की जनता उसी को वोट करेगी जो इस जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, वो किसी पार्टी से मतलब नहीं है, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो उसी को लोग वोट करेंगे। ये जो पुल मतलब बाधित है, 5 या 10 साल से बाधित है और इससे काफ़ी दिक्कत होता है। लगभग इस पुल से 10 गांव के लोग आना जाना है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं जाते हैं, कई लोग यहाँ गिर गए हैं, जख्मी हो चुके हैं, काफ़ी गंभीर चोटें आई है। लेकिन जो भी मेरे वहाँ के विधायक माननीय श्री गंगा जी हैं, उनको ध्यान इस पर आज तक नहीं आया कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आज तक इसके तब देखे भी नहीं। और आते हैं सड़क से, मुख्य मार्ग से जाते हैं, मुख्य मार्ग से आते हैं, एसी में बैठ के अपना आनंद लेते हैं। अभी वोट का समय आएगा तो आएंगे, बोलेंगे वोट दीजिए। लेकिन हम लोग जितने भी हम लोग धरने पे, हम लोग का मुख्य कारण ये है धरने का कि वो आए और आकर इसको देखें। हम नहीं, इसके पहले हम लोग विधायक जी से कई बार कह चुके हैं, जैसे अब चूँकि वो तो यहाँ पे आते नहीं कि जहाँ भी मिलते हैं विधायक जी, हम लोग उनको बोलते हैं, कहते हैं, तो ये कहते हैं कि ठीक है हम बनवाएंगे। कहते कहते उनको लगातार आज काफ़ी साल बीत गया लेकिन अभी तक इसके बारे में उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। तो हम लोग ये सोचते हैं कि अभी वोट का माहौल है, जो व्यक्ति किसी पार्टी का हो जो इसको बनाएगा हम लोग उसी को वोट करेंगे, क्योंकि सारे गाँव के लोग परेशान हैं। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।